होता है कि हम बातों को कुछ दिनों तक तो सहन करते हैं, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि अचानक से जैसे हमारे अंदर से विस्फोट हो जाता है। तो अब तक हमने जो भी सहन किया वो पानी में चला जाए और डिसर्विस हो जाती है कि कमाई जैसे कि खत्म हो गई, मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने मन को कैसे शांत रखें, कैसे सहन शक्ति को बढ़ाएं? दो चीज़ों की गड़बड़ हो गई यहाँ। एक तो मान लो 50 बार सहन किया, सहन तो किया लेकिन उसकी बातों को चित्त पर रख भी लिया, उसे समाया नहीं, इसलिए वो प्रेशर कुकर की तरह स्टीम पूरी भर गई अंदर और एक साथ निकल गई सारी। इसमें मनुष्य को शक्तिशाली भी होना चाहिए और समाने की शक्ति भी रखनी चाहिए। इसमें एक कमी सहनशील वाले लोग करते हैं, जो सहनशीलता की बातें करते हैं ना, स्वमान का अभ्यास जब तक नहीं है तब तक हमारी सहनशीलता हमारी महानता नहीं बनेगी। देखो लोग उसे कहेंगे बेचारी को बड़ा सहन करना पड़ता है, और अगर ये चीज है तो कहेंगे बड़ा महान व्यक्ति है, हर चीज सहन करके मुस्कुराता रहता है। तो स्वमान अगर बहुत अच्छा होगा तो ये स्थिति रहेगी। बिल्कुल, मतलब स्वमान के अभ्यास को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं ताकि वो महानता आए और ये हम सहज रूप से करें, ऐसा ना लगे बेचारगी महसूस ना हो। मुझे बाबा की बात याद आ गई कि देखो अगर हमारा स्वमान बहुत ऊंचा होगा तो जब कोई व्यक्ति क्रोधवश या किसी और विकार के वश होकर हमें कुछ बोल रहा है तो हमें उस पर रहम आएगा कि बेचारा है ये, परवश हो गया है संस्कारों के। लेकिन ये स्थिति तब होगी जब हमारा स्वमान बहुत ऊंचा रहा होगा, तो फिर न स्थिति बिगड़ेगी न उसके प्रति कोई निगेटिविटी आएगी, क्योंकि वो तो परवश है अभी। जी जी जी।